इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो चुका है। इस मौके पर पोलैंड के निवासी अमित कैलाश चंद्रलट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया, जिसको लेकर उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इसके साथ उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं इस दौरान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की होगी। इन्हीं मुद्दों के दौरान प्रवासी भारतीय अमित कैलाश चंद्रलट और मंत्री कमल पटेल से खास बातचीत की एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो चुका है। विदाई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भावुक भी रहे, लेकिन कई ऐसे चुनिंदा एनआरआईज थे जिन्हें जो है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। उन्हीं में से एक हैं अमित जी, और जिनका जो अभिवादन कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी। अमित जी के मन में क्या भावनाएँ हैं, और महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने के बाद प्रवासी भारतीय होने का कितना एहसास उन्हें हो रहा है, आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसी फीलिंग्स हैं अपने स्वदेश लौटकर और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के रेड कार्पेट पर? देखिए, ये बहुत प्राउड फीलिंग है परिवार के लिए, इंडियन डायस्पोरा इन पोलैंड वालों के लिए, जो 45,000 इंडियंस रहते हैं उनके लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट है ये। और अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन गंगा में, जो है भारत की सरकार ने जो एक अहम भूमिका और जो विजन था उनका, हर बच्चों को देश वापस लेके आने का सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से, तो वो अपने आप में एक मैसेज है इंडियन डायस्पोरा के लिए कि वो कहीं पर भी रहे हुए वर्ल्ड में, एब्सोल्युटली इंडिया इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम। हमारे साथ कृषि मंत्री जी हैं। मंत्री जी, आपने अभी जो है एक तोहफा जो है यहाँ पर एनआरआई मेहमान को जो है दिया है, किस तरह से आपको लगता है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी स्थापित करें? देखिए, जब कोई भी भारत का नागरिक दुनिया के किसी भी प्रदेश देश में जाता है और वहाँ अपने मेहनत करके और जो अपना नाम भी करता है और कारोबार भी बढ़ाता है, फिर भी वो भारत के प्रति समर्पित रहता है, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और भारत के प्रति अच्छी सोच रखता है, भारत के लिए काम भी करता है और भारत आने पे गौरवान्वित महसूस करता है, तो हम सब भारतीयों के लिए ये गौरव की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया में जितने भी भारतीय हैं उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया है। जहाँ पूरी दुनिया निराशा में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आशा की किरण बन के आए, निराशा को आशा में बदलने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने वाले, असंभव को संभव करने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये 25 साल से पोलैंड में हैं, लेकिन पहले इनको पोलैंड के या दुनिया में इनको वो सम्मान नहीं मिलता था भारतीयों का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो उन्होंने काम किया दुनिया के लिए और जो भारत को अपने पैर पर खड़ा किया, और उसके कारण भारतीयों का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। और इसलिए ये दुनिया में जो भारत के लोग हैं, पहले भारतीय कहलाने में संकोच करते थे, अपने आप को थोड़ी वो करते थे कि पिछड़े हैं हम, लेकिन अब गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। क्यों, सही है कि नहीं? हम तो नए हिंदुस्तान में रह रहे हैं, न्यू इंडिया, दिस इज न्यू इंडिया। इसलिए इनको अपने भारत के प्रति गौरव महसूस होता है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की लेकिन 21 सदी भारत की होगी, निश्चित रूप से हम गर्व से कह सकते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 सदी भारत की सदी होगी, और उसमें भारत के नागरिकों का तो योगदान होगा ही, लेकिन जो भारत के दुनिया में लोग गए हुए हैं, वो लोग वहाँ अपना देश का नाम रोशन करके काम करके जो कर रहे हैं, उसके कारण भी भारत विश्वगुरु बनेगा। अभी हमने आपके मुंह से सुना कि इंडियन कल्चर इज इनकम्प्लीट विदाउट एग्रीकल्चर, आप इसको कैसे डिफाइन करें? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, और पूरी दुनिया को, लोगों को दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध देते हैं। अभी कोरोना के समय पूरी दुनिया ठप हो गई थी महामारी से, उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद, चाय होटल बंद, सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, वो था कृषि। और किसान ने खेत में जाके मेहनत की, पसीना बहाया, जिससे अनाज पैदा हुआ, सब्जियां पैदा की और दूध, जिसके कारण दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध मिला, जिससे लोग जीवित हैं। कल्पना करो कि किसान भी अगर लॉकडाउन में घर में बैठ जाता तो अनाज कहाँ से मिलता, सब्जियाँ कहाँ से मिलती, दूध कहाँ से मिलता, तो लोग जिंदे कैसे रहते? और इसलिए किसान अन्नदाता भी और जीवनदाता है, और देश भारत के अंदर बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को शुद्ध अनाज चाहिए, यानी पेस्टिसाइड मुक्त, रसायन मुक्त अनाज, क्योंकि पेस्टिसाइड से दुनिया बीमार हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो रही है। और इसलिए अगर दुनिया को कोई शुद्ध अनाज दे सकता है, प्राकृतिक गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाई हो, तो वो हमारे भारत ही दे सकता है। और इसलिए भारत के लिए ये एक अवसर है
कि हम प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें, गौवंश आधारित खेती करें, खाद और जो शुद्ध अनाज और सब्जियां और दूध पैदा करें वो पूरी दुनिया में हम निर्यात कर सकते हैं और पूरी दुनिया का पैसा भारत में आ सकता है तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करें, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम काम करें और ये 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन, शिखर सम्मेलन और इन्वेस्टर्स मीट उसमें सहायक सिद्ध होगी और मध्य प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहा है। विकास की उसमें 19.76% हमारी विकास दर है और कृषि के अंदर हम 7 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है और हमारे किसानों की आय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प दोगुना करने का उसमें मध्य प्रदेश ने साबित कर दिया, करके दिखाया है और इसलिए किसान मजदूर मिलकर और गाँव मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, विकसित करेंगे और प्रधानमंत्री जो स्वामित्व योजना दिए गांव के विकास के द्वार खोले, गांव की अब तकदीर तस्वीर बदले की, दशा दिशा बदले की, किसान सिर्फ अब खेती नहीं करेगा, खेती के साथ वो व्यापार व्यवसाय उद्योग भी कर लगाएगा और खुद निर्यात करेगा तो किसानों के गाँव की आय बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी और गाँव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा और इसलिए कृषि के आधार पर उद्योग धंधे का सबसे अच्छा अवसर है और इसलिए इन्वेस्टर्स मीट में सबसे अधिक अगर देखना आप तो कृषि के क्षेत्र में ही उद्योग लगेंगे जिससे हमारे प्रदेश का विकास भी होगा, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी और देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं मध्यप्रदेश सरकार के कृषि मंत्री हैं और किस तरह से प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करने के बाद अब पूरी की पूरी सरकार जो है यहाँ पर आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कैसे मध्य प्रदेश के इतिहास में भी एक मील का पत्थर साबित होगा इसकी कहानी को बयां करने के लिए तस्वीरें काफी है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।